नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए प्रश्न को आप देख लीजिए। प्रश्न क्या है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है तो पहली और अंतिम संख्या का गुणा कितना होगा। उसने कहा है कि 5 कोई संख्या है जो कि कैसी है, लगातार है, एक से क्रम में है। तो हम 5 डिब्बे बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। उसने कहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है। जब संख्याएं 5 हैं और लगातार हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि संख्याएं अगर लगातार होती हैं तो जो उनका औसत होता है वह बीच वाली संख्या होती है। तो जब संख्याएं 5 हैं तो बीच वाली संख्या कौन सी कहलानी, बीच वाली संख्या 1 कहलानी, और ये कितनी है, 63, ठीक है। एक बार फिर से आप याद कर लीजिए कि अगर संख्याएं लगातार क्रम में हैं तो जो उनका औसत है वह उनकी बीचों बीच की संख्या होगी, ठीक है। तो सबसे बीच में क्या जो डिब्बा है उसमें क्या लिख दिया हमने, 63। अब 63 के आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 65। पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 61, ठीक है। पांचों संख्याएं हमारी निकल आई। अब वह हमसे कुछ भी पूछ ले। उसने कहा पहली और अंतिम संख्या का गुणा कितना होगा। पहली है 61 और अंतिम है 65, तो हमें 61 का गुणा 65 में करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमें दो अंक वाला गुणा हम करते हैं तो कैसे करते हैं, 61 को ऊपर लिख लिया और 65 को नीचे लिख लिया। कैसे होगा, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 एकम 5, फिर इसका करेंगे 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 30 और 6 कितना होता है, 36 की 6 हो जाएगी, हाँ सर लगेगी 3, और फिर इसमें हो जाएगा 6 6 36, 36 में 3 जोड़ देंगे तो 39। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3965, ठीक है। यानी कि पहली और अंतिम संख्या का गुणा निकल के कितना आया, 3965। आप फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर संख्याएं लगातार हैं, कितनी भी हो, 5 हो 6 हो 10 हो, तो जो उनका औसत होगा वह सबसे बीचों बीच वाली संख्या होगी। जैसे यहां पर 5 थी तो बीच में आया, अगर 6 होती तो दो डिब्बों के बीच में जो संख्या आएगी वो उनका औसत होगा, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।